सॉल्यूशन चैप्टर 24 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस क्वेश्चन नंबर 34। अ ग्लास ट्यूब सील्ड एट बोथ एंड इज 100 सेंटीमीटर लॉन्ग। इट लाइज हॉरिजॉन्टली विद अ मिडल 10 सेंटीमीटर लॉन्ग कंटेनिंग मर्क्यूरी। द टू एंड ऑफ द ट्यूब कंटेन एयर एट 27 डिग्री सेल्सियस एट प्रेशर 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। द एयर कॉलम ऑन द वन साइड इज मेंटेन एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड अदर साइड इज मेंटेन एट 127 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम ऑन द कूलर साइड। नेगलेक्ट द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द मर्क्यूरी एंड ऑफ द ग्लास। ओके, तो इनिशियली अपने पास क्या है कि एक ट्यूब है जिसका लेंथ 100 सेंटीमीटर है और वो 27 डिग्री सेल्सियस पे है और उसके बीच में बीचों बीच 100 है, उसके बीच में 10 सेंटीमीटर लॉन्ग का मर्क्यूरी कॉलम है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग क्या है, मर्क्यूरी है। तो दोनों तरफ एयर हो गया कितने का, 45 का, राइट। दोनों तरफ क्या गया, गैस है कितना, 45 सेंटीमीटर का। ओके, अब अपने को क्या बोला है कि अगर जो एक साइड है उसको 0 डिग्री सेल्सियस पर रखें और दूसरी साइड को 127 पर रखें तो आपका जो कूलर साइड है उसका लेंथ कितना होगा, उसमें जो गैस है उसका लेंथ कितना होगा, ये अपने को फाइंड करना है। यानी यहाँ का एयर कॉलम का साइज क्या होगा ये फाइंड करना है। ओके, तो देखो यहाँ पे इस कंडीशन को देखो, यहाँ पे प्रेशर भी अपने को गिवन है कितना, 76 डिग्री ऑफ मर्क्यूरी, 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। तो देखो यहाँ पे प्रेशर ये जो मिड में है वो मिड में क्यों है, क्योंकि यहाँ से प्रेशर और यहाँ से प्रेशर सेम लग रहा है, इसलिए मिड में, यानी ये इक्विलिब्रियम है, राइट। अब देखो यहाँ पे जैसे ही आप इस टेम्परेचर को कम करते हो, इस टेम्परेचर को बढ़ाते हो, इस टेम्परेचर को कम कर रहे हो, तो क्या यहाँ पे प्रेशर कम होगा, यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या बोलते हैं, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, राइट। तो आप अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, तो यहाँ प्रेशर बढ़ेगा तो ये प्रेशर बढ़ेगा और यहाँ प्रेशर घटेगा तो ये क्या करेगा, इसको धक्का मारेगा, तो ये आपका मर्क्यूरी कॉलम इस तरफ जाएगा। और कब तक जाएगा, जब तक इन दोनों का प्रेशर वापस इक्वल ना हो जाए, राइट। तो वापस टेम्परेचर बढ़ेगा तो और इधर धक्का देगा, तो वापस यहाँ का ये धक्का देगा, तो यहाँ का कब तक ये और जाता रहेगा, जब तक यहाँ का प्रेशर सेम ना हो जाए। यानी एक टाइम पे जब ये अपने को सिचुएशन दे रखी है, तो इस सिचुएशन में अपन ने लिया कि मान लो यहाँ x आ गया और यहाँ 90 माइनस x रहा, क्योंकि ये 10 सेंटीमीटर, तो 100 में 10 निकाल दिया तो 90 माइनस x ये रहा। अब देखो ये आपका हायर टेम्परेचर, ये आपका लोअर टेम्परेचर, यानी यहाँ ज़्यादा प्रेशर था तो इन्हें धक्का दिया तो ये इधर आ गया, यानी अब क्या हो गया, अब दोनों को वापस प्रेशर सेम हो गया, यानी प्रेशर अभी भी दोनों तरफ सेम ही है, यानी P1 इज इक्वल टू P2 बोल सकते हैं अपन, राइट। दोनों का प्रेशर सेम है। ओके, जो नंबर ऑफ मोल है, जो गैस क्वांटिटी यहाँ थी वही गैस की क्वांटिटी यहाँ पे है ना, राइट। अब देखो ये दोनों इक्वल है, तो जितना क्वांटिटी यहाँ पे उतना ही क्वांटिटी यहाँ, राइट। अब देखो यहाँ पर भी जितना क्वांटिटी यहाँ पे N1 है उतना ही क्वांटिटी यहाँ, क्योंकि ये कंप्रेस्ड हुआ ना, क्वांटिटी गैस बाहर तो नहीं निकला ना, एयर बाहर नहीं निकला ना, यानी एयर का क्वांटिटी भी सेम है। अब इसमें इस इक्वेशन में हम एन की वैल्यू निकालो तो क्या आएगा, PV/RT, राइट। PV/RT आएगा, तो यहाँ पे पुट करो तो ये आएगा P1V1/RT1 इज इक्वल टू P2V2/RT2, ये आएगा। अब देखो P1 कितना है, प्रेशर तो दोनों का सेम है, यानी P1 कैंसिल आउट, RR कैंसिल आउट, राइट। वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम अपन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लो ए ले लेते हैं, तो यहाँ का वॉल्यूम क्या है, A × x, राइट। ओके, और यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, यानी 273 केल्विन, राइट। तो ये अपना 273 केल्विन आ गया। ओके, यहाँ का वॉल्यूम कितना है, 90 - x, A × 90 - x है। ओके, और यहाँ का टेम्परेचर कितना है, 127 सेल्सियस है, तो केल्विन में करेंगे तो 273, यानी कि 400 केल्विन आ जाएगा। तो ये अपना 400। ओके, ए कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 400x इज इक्वल टू 273 टाइम्स ऑफ 90 - x, राइट। इसको 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा अपने पास, ये आएगा 24570 - 273x इज इक्वल टू 400x। तो 273 को इधर लेके आओ तो क्या आएगा, 376x इज इक्वल टू 24570। ओके, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 24570 डिवाइडेड बाई 673। ओके, इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास x की वैल्यू आ जाएगी कितना, 36.501 सेंटीमीटर, राइट। ये आपका कूलर साइड का लेंथ होगा, राइट।